टीवी के टॉप न्यूज के सेगमेंट में आपका स्वागत है। पहली खबर है कुशाल टंडन जो बिहाइंड द सीन्स सेट पर मस्ती करते नजर आए और उन्हें देखा गया कैमरा के पीछे हर चीज हैंडल करते हुए। इस शो को फैंस बहुत ज्यादा मिस करने वाले हैं क्योंकि बरसाते कहा लास्ट एपिसोड 16th को एयर किया जाएगा नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट न्यूज है नीति टेलर की जो नजर आई एक स्टनिंग से लुक को कैरी करते हुए। नीति को एक ब्लिंग कोर्ट सेट में देखा गया जिसमें वो काफी हॉट लगी और इसके साथ उन्होंने लिखा रॉकिंग द हॉट मेस एस्थेटिक बिकॉज समटाइम्स क्योस कम्स विद अ साइड ऑफ सिजल। अगली खबर है पूजा भट्ट की जो हाल ही में विकी जैन के मनारा चोपड़ा पर किए गए कमेंट से बिल्कुल खुश नजर नहीं आई। उन्होंने कहा वेरी वेरी इम्प्रॉपर द वे यू आर सिटिंग सेज अ मेल कंटेस्टेंट अटेम्प्टिंग टू शेम मनारा चोपड़ा हु इज मेरली अटेम्प्टिंग टू प्रोटेक्ट अ फ्रेंड। When all else fails, shame the women and then go on to self-righteously call yourself a gentleman, not cool. आगे पूजा ने कहा nothing like a torture task to reveal people for what they are. The ones that deserve to be in the finale are Arun, Abhishek, Manara and Munawar. The game does not make us inhuman and toxic, it gave us choices. The rest is up to us. Simple and oh so revealing. #BigBoss17 Next news है सीरियल बातें कुछ अनकही सी की जिसमें देखने को मिलेगा कि कैसे कुणाल और वंदना एक होकर अपनी बेटी तारा के लिए तनु से लड़ते दिखेंगे। तनु ने पूरी कोशिश कर ली कुणाल वंदना को अलग करने की लेकिन मकर संक्रांति के मौके पर ये एक खुश फैमिली की तरह नजर आएंगे और वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। इसीलिए वो कुणाल और वंदना को गंदा पेरेंट साबित करने के लिए बुला लेगी चाइल्ड फेयर एसोसिएशन के कुछ लोगों को और अपनी बेटी को मांगेगी, जबकि वंदना कहेगी कि अगर एक्चुअल में तारा से वो प्यार करती होती तो वो एक बार को पीछे हट जाती और तारा उसे दे देती, लेकिन वो जानती है कि ये सब कुछ वो रिवेंज के लिए कर रही है इसलिए तारा तो वो उन्हें बिल्कुल भी नहीं देगी। अगली खबर है टीवी एक्टर कंवर ढिल्लो की जो नजर आ सकते हैं स्टार प्लस के एक नए शो के लिए। हाल ही में उन्हें इस नेक्स्ट शो के लिए अप्रोच किया गया है। आगे की कोई अपडेट अभी सामने नहीं आई है।